नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी के अंदर जो चीज़ें हमारी चल रही हैं, देखिए ये बुकें आपके लिए जो मैं करवा रहा हूँ सेकंड ग्रेड के लिए भी हैं और बीएससी के लिए भी हैं। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी का कर रहे हैं वो भी इनसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा मेट्री आपका कवर हो रहा है, सारे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। तो बीएससी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं बात करता हूँ वेक्टर कैलकुलस। देखिए दो पार्ट आपके लगते हैं, एक है वेक्टर अलजेब्रा, दो है चीजें देखो एक बार। अलजेब्रा ये तो है बीएससी वाला पोर्शन और ये लगता है आपका ट्वेल्थ वाला, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम सीखते हैं, देखिए सदिश अदिश क्या होता है, इनका गुणन क्या होता है, अदिश त्रिक गुणन क्या होता है, ये चीजें हम सीखते हैं। अभी मैंने इन दोनों में से कोई सा भी पार्ट नहीं करवाया है। देखिए ये आपका पार्ट पहले ये होना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग से चीज़ें समझ में आनी चाहिए वेक्टर अलजेब्रा वाली। लेकिन आप ट्वेल्थ कर चुके हैं तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल आपके लिए, अगर ट्वेल्थ में होते तो अलग बात थी कि पहले ये करवाएं, लेकिन हालांकि फिर भी हमें करवाना चाहिए था। लेकिन फिर हम नाइन्थ वाला इधर शुरू कर चुके हैं, नाइन्थ और टेंथ वाला, तो बीच में तो उसको हम नहीं छोड़ सकते। और बीएससी के अंदर ये एक दो बुकें आपकी रही हैं, तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत साथ में बता दूंगा। तो ये करवाएंगे तब आपको, देखिए ये सीख लिया ये आ जाएगा, तो इसमें कोई भी जोर नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी, यानी आप आराम से कर देंगे। तो टोटल इसके जो वेक्टर कैलकुलस हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगभग चार या पांच क्वेश्चन बनते हैं भाई, चार क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं वेक्टर कैलकुलस के सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। और जो बीएससी है तो उसमें तो ये पूरी बुक ही है आपकी। तो ये आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस, और अलजेब्रा है वो हम जैसे एक दो टॉपिक इसके रहे हैं ट्वेल्थ वाले, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा, ये दो टॉपिक आपके वो रहे हैं। और बीएससी के अंदर ये एक दो बुकें आपकी रही हैं, तो यानी कुल मिलाकर चीज़ें आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। सिलेबस आपका जो हमने सोचा था कि पूरा यूट्यूब पर कंप्लीट कोर्स हो जाए, तो वो चीज़ें हम उस राह पर हम चल रहे हैं। जल्द ही हमारा कंप्लीट कोर्स, और एक कंप्लीट कोर्स ऐसा जिससे आप परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी जोश के साथ, उसी उमंग के साथ। एक और नई बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस। सदीश कलन आप हिंदी में कहेंगे, थोड़ा बहुत नॉर्मल परिचय पढ़ेंगे पहले कि क्या क्या इसके अंदर हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए कलन का अर्थ आपको पता है अवकलन और समाकलन से रिलेटेड है कैलकुलस वाला पार्ट, तो यानी आप इसमें सदिशों का अवकलन करेंगे। और इसके अंदर देखिए दोस्तों आगे आपके डाइवर्जेंस ग्रेडियंट जो आपके क्रॉस प्रोडक्ट में है कुंतल पर में, तो ये ग्रीन पर में, ये जो आपकी थ्योरम में आएंगी इनमें ज़्यादातर आपके जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं जो ग्रीन पर में है लास्ट में, अभी जब तक ये चीज़ें होगी तो 10-12 क्लासेज इसके अंदर होने वाली हैं, तो जो भी लास्ट में जो चीज़ें आएंगी जो पर में आपकी आएंगी ग्रीन पर में स्टोक्स पर में, तो उनमें आपके स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हैं। स्टेटमेंट ही एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन करने की उनमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो वो एग्जामिनर भी केवल मात्र क्वेश्चन में थ्योरम ही स्टेटमेंट पूछता है, तो वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें सदिशों का अवकलन हो जाएगा, सदिशों का समाकलन कैसे करना है ये भी यहाँ पर आएगा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम करने वाले हैं। लेकिन उसके अंदर तो हम प्रारंभ तौर पर चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि सदिश अदिश सदिशों का गुणा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोस प्रोडक्ट क्या होता है, विलंब क्या होता है, ये नॉर्मल चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा लेवल अप हो गया है, तो यहाँ पर सदिशों का अवकलन भी पूछेगा, समाकलन करना भी पूछेगा, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, पहले थोड़ा बहुत आपको देखिए जो चीज़ें पता हैं सदिश और अदिश, ये चीज़ें आप नॉर्मल जानते हैं। अदिश यानी सदिश क्या होता है, जिसके ऊपर वेक्टर आप लगाते हैं ए वेक्टर, और यहाँ पर ये सीधा ए, यानी इसमें तो केवल मात्र परिमाण परिमाण व्यक्त होता है, लेकिन इसके अंदर परिमाण व दिशा दोनों आपकी होती है, तो उसे आप वेक्टर कहते हैं। और ये अदिश आपका जिसके अंदर केवल मात्र परिमाण हो जिसकी दिशा नहीं होती है, जैसे वेग विस्थापन आपके सदिश हैं, दूरी क्या है अदिश है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अब देखो अब चीज़ें करते हैं, एक चीज़ आती है यहाँ पर कोई भी आपके पास कण है, देखिए ये चीज़ बहुत आर यहाँ पर आर वेक्टर बहुत काम आएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई पी पार्टिकल है जिसके निर्देशांक एक्स कोमा वाई कोमा जेड है,
और इसका स्थिति सदिश पोजिशन वैक्टर जानते हैं ना, आर वैक्टर से पोजिशन वैक्टर आपका क्या है, यहां पर आर इसका स्थिति सदिश है, तो आप आर को कैसे व्यक्त करेंगे, आर बराबर आपका होगा देखिए आर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। क्यों देखिए, मान लीजिए ये आपका यहां पर जेड है, तो ये आपका आई कैप होता है, यहां आपका जे कैप होता है, के कैप होता है, तो इस आर का स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर क्या होगा, बस ये फॉर्मूले थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं, आर बराबर एक्स आयोटा सॉरी आयोटा नहीं एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड कैप, इसे आर का स्थिति सदिश, आर क्या है स्थिति सदिश है, पोजिशन वेक्टर है, और आर का मान ये होता है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, और आर यहां पर देखिए मान सकते हैं आप कि आर आपका आर वेक्टर है वो एफ टी का फंक्शन है, टी का ये फलन है, अदिश सर टी का फलन है, अदिश सर टी का फलन है, यानी जिसके अंदर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन होगी आर कैप के बारे में। अब इसके अवकलन के बारे में बात करते हैं कि आप अवकलन कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी एक बार थोड़ा हम नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके अवकलन के बारे में। सदिश का अवकलन डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर, थोड़ा नॉर्मल आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर वे से चीज़ें हम स्टार्ट कर देंगे। पहली क्लास आपको पता है हम छोटी छोटी ही रखते हैं ताकि चीज़ें आपको सही से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएं। सदिश का अवकलन डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, सदिश का अवकलन। अब सदिश आपका क्या आया है, आर वेक्टर बराबर क्या था एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, स्थिति स्थिति था ना ये जेड के कैप। अब देखो आप अवकलन कैसे कर सकते हैं इसका, डी आर बाई डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो जो अवकलन करते हैं उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हम अवकलन करते हैं, यहाँ पर एक्स वाई जेड आपके अदिश चर हैं, एक्स वाई जेड आपके अदिश चर हैं, और ये आई कैप जे कैप इनको सदिश बना रहे हैं, सीधी सी बात यही है। अब इनका आप अवकलन डायरेक्ट करेंगे जैसे आप करते हैं, बस वही तरीका है, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस का डी वाई बाई डी टी, ये तो हो गया आपका प्रथम कोटि का अवकलन। एक मिनट, ये क्या है आपका प्रथम कोटि का अवकलन, इसी प्रकार आप द्वितीय कोटि का भी अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, यानी दोबारा आप अवकलन कर सकते हैं इसका कैसे पुनः। इसी प्रकार देखिए नॉर्मल चीजें हैं, एक बार थोड़ा हम सीख रहे हैं इन चीजों को, फिर बात करेंगे हम क्वेश्चंस पर। क्या आ जाएगा देखो, डी ए स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर आई कैप प्लस का डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर जे कैप प्लस का डी स्क्वेयर जेड अपॉन डी टी स्क्वेयर के कैप। तो ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया, द्वितीय कोटि का। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सदिश वाली चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार नॉर्मल चीज़ें हैं ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं कि आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड कैप, एक बार वही आपको रिपीट कर रहा हूँ। फिर सदिशों का अवकलन करना है, तो सदिशों का अवकलन ठीक उसी तरीके से जो इस प्रकार आप करते हैं सेम टू सेम उसी तरीके से होगा। अब एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए थोड़ी बहुत दो चीज़ें आपको पता है वो आपको साथ साथ में मैं सिखाता जाऊँगा, कैसे आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वो चीज़ें हालांकि मैंने क्लासेस हमें वेक्टर वाली लगानी चाहिए थी जो 11 12th वाली है, लेकिन चलिए वो जो चीज़ें चल रही उस हिसाब से चलते हैं, बाद में लगेंगी वो तो क्लासेस, लेकिन जो चीज़ें चल रही है एक बार उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे क्या होती हैं, ठीक है। तो इसको लिखो आप थोड़ा, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, साथ साथ में चीज़ें बताता चलूँगा, तो एक दो क्लास के अंदर आपको चीज़ें बताने की जरूरत पड़ेगी, बाद में आप ऑटोमेटिक चीज़ें सीख जाओगे। अब देखो जो आपकी नवकार और गोखरू वाली बुकें हैं वो सारे क्वेश्चन उनमें से उठते हैं,
सारे एग्जाम के अंदर जो आपके पास नवकार पब्लिकेशन बुकें आती हैं, बीएससी वाली जो ओरिजिनल बुकें हैं, सेम टू सेम उनमें से क्वेश्चन उठते हैं और उन्हीं में से मैं क्वेश्चन आपके लिए करवाता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती क्वेश्चन की, सेम टू सेम वहाँ से उठते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको तैयार और भी करने हैं, लगभग मैं करवा दूंगा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनकी। तो वो बुकें आपके पास ज़रूर रखा करो आप, क्योंकि और चाहे कोई सी भी बुक ले आएँ, देखिए वो कंसेप्ट आपको समझा देंगी, कंसेप्ट क्लियर कर देंगी। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास जो ओरिजिनल बुकें आपके लगती थी बीएससी के अंदर, वो बुकें आपके पास हमेशा अपने पास होनी चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन उनमें से एग्जाम के अंदर आते हैं, तो सेम टू सेम वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बुकें आपके पास होनी चाहिए। और अभी काफ़ी टाइम आपके पास पड़ा है अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो आप आराम से तैयारी कीजिए, बुकें प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ में। अब देखो क्वेश्चन है ऐसा, बुक में से है ये आपकी, बुक में से ही आएंगे लगभग सारे क्वेश्चन, मैं बुक से ही आपके लिए करवाता हूँ और वही क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे, तो मैं जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस आपकी करवा पाऊँ, ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूँ। कोस टी आई कैप प्लस का ए साइन टी जे कैप प्लस का टी के प्लस का टी के कैप, तो कहा है निम्न ज्ञात करो, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी ये ऐसा है, तो आपको जो निम्नलिखित दिए हैं वो चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। देखो क्या क्या ज्ञात करना है आपसे, कहाँ है कि नंबर एक डी आर बाई डी टी क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। दूसरा डी आर बाई डी टी का परिणाम भी ज्ञात करना है, देखो सारी चीज़ें सिखाऊंगा, परिणाम क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करोगे, वैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, डी स्केयर डी टी स्केयर निकालना है। और चौथा इसका भी परिणाम परिमाण आपको निकालना है, परिणाम नहीं। तो ये चार चीज़ें दिए हैं आपको निकालनी है, कि सबसे पहले आपको डी आर बाई डी टी निकालना है, आर आपको दिया है, तो देखो डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं। नंबर एक हम निकालेंगे, आर बराबर आपको क्या दिया, देखो ए कोस टी आई कैप प्लस का ए साइन टी जे कैप प्लस का टी के कैप। अब यहाँ से अगर मैं डी आर बाई डी टी की बात करूँ, तो देखो डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका, माइनस का ए साइन टी आई कैप, अवकलन कर रहे हैं देखो, सामान्य अवकलन होगा, प्लस का ए कोस टी जे कैप, और टी का हो गया वन, क्योंकि टी के सापेक्ष सीख रहे हैं, तो ये आपका डी आर बाई डी टी आ गया। देखो एक बार तो नॉर्मल चीज़ें हम थोड़ा सीख रहे हैं इन चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप चीज़ें सीखते जाएँ। दूसरा चीज़ देखो, अगर मैं डी आर बाई डी टी का परिमाण आपको ज्ञात और करना है, तो परिमाण क्या होता है दोस्तों, आई कैप जे कैप आपको दे रखे हैं, यानी मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर, और उसका वर्गमूल परिमाण होता है आपका, तो देखो स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पर ए इसका स्क्वेयर करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वेयर टी प्लस का ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस का वन है इसका गुणांक, तो वन की स्क्वेयर वन आएगा और इसका अंडर रूट। तो देखो ये पार्ट क्या बन गया, यहाँ से अगर आप ए स्क्वेयर कॉमन लेते हैं तो ये पार्ट आपका वन बन गया, तो यहाँ से आपका रिजल्ट बन जाएगा आपको अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस का वन, ये आपका आंसर आ गया, परिमाण आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, परिमाण आ गया। अब देखो आगे हम जो चीज़ें और याद करनी है वो भी हम देखते हैं, उसके बाद डी स्केयर बाई आर डी टी स्केयर निकालना है, तो देखिए दूसरा स्टेप हम यहीं से निकाल देंगे, क्योंकि डी आर बाई डी टी तो आपने निकाल लिया है। अब देखो तीन नंबर आपको निकालना है डी स्केयर, तो डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर हम निकालते हैं, देखिए क्या आएगा, माइनस का ए कोस टी आई कैप, और ये हो गया माइनस का ए साइन टी जे कैप। अब देखो इसका क्या आएगा, जीरो, क्योंकि देखो कांस्टेंट है तो जीरो आ गया, ये तो आपका आ गया डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर। अगर आपको यहाँ से कह दें किसका परिमाण, देखो परिमाण भी पूछा है आपसे, तो परिमाण आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ऊपर लिखते हैं अपन, परिमाण पूछा है तो नंबर चार पर डी स्केयर आर बाई
डी टी स्क्वेयर का परिमाण पूछा है आपसे, तो परिमाण आ जाएगा इनकी, स्क्वेयर करनी है बस, स्क्वेयर करेंगे तो देखो स्क्वेयर करेंगे तो ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस का देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वेयर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे ना, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी और के गैप है नहीं तो इतना ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन आ गया, ए स्क्वेयर कॉमन आ गया तो अंदर बच गया साइन स्क्वेयर टी प्लस का कोस स्क्वेयर टी, ये बन गया आपका एक, तो बाहर आएगा देखो रूट ए स्क्वेयर बचा नीचे और बाहर आ गया ए, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे कुछ आपको अवकलन, सदिशों के अवकलन ज्ञात करने हैं, ठीक है, लिखिए। फिर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं अपन, थोड़ा चीज़ें और करेंगे, थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं, एक दो चीज़ें और करते हैं, फिर उसके बाद आज बस ये करीब करीब 20 या 25 मिनट की क्लास रखेंगे, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी क्लासेस, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मल जानकारी क्या होती है वेक्टर के बारे में, परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सदिशों का योग करके आप अवकलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लिख लो इसको, देखिए ये तो हमने अवकलज पढ़ रहे थे आर वेक्टर का, अब दो सदिश आपके जुड़ जाएं तो उनका आप अवकलन कैसे करेंगे, दो सदिश गुणा में हो क्रॉस प्रोडक्ट में हो तो कैसे करेंगे, दो सदिश आपके जोड़ के रूप में हो तो आप कैसे करेंगे, यानी सदिश अवकलों का बीजगणित, सदिश अवकलजों का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स, नंबर एक आता है आपका कि आपके जो सदिश हैं, सदिश के योग के अवकलज, यानी दो सदिश आपको दिए योग के अवकलज या ज्यादा भी आपको दे सकता है, ठीक है, देखिए आपको दे दे कि यदि r वेक्टर बराबर, यानी जो r वेक्टर आप व्यक्त करते हैं a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, ये दो आपको दे दिए, ये दो आपको दे दिए और ये चर हैं, वेरिएबल हैं, अदिश चर हैं, ये आपके अदिश चर हैं, वेरिएबल आपको दिए हैं ये, यानी अब देखो दो सदिश हैं आपके योग के रूप में हैं, तो अब आपको अवकलन ज्ञात करना है, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे, वही सेम टू सेम वही तरीका, क्या डी आर बाई डी टी, और यहाँ पर आपका वेक्टर आएगा, तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट डी बाई डी टी ए कैप, यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा, डी बी वाई डी टी इसका अवकलन हो जाएगा, यानी योग के रूप में है तो अलग अलग आप कर सकते हैं, योग के रूप में अगर आपका सदिश है तो आप उसका अलग अलग तरीके से अवकलन कर सकते हैं। ये तो रही बात दो की, अगर बहुत सारे हों, यानी आर वेक्टर बराबर आपके बहुत सारे मान आ रहे हों व्यापक रूप में, यानी ए वन वैक्टर प्लस का ए टू वैक्टर प्लस का ए थ्री वैक्टर, ऐसे ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप कैसे करोगे, तो डी आर बाई डी टी, यानी सेम वही तरीका सभी के साथ आप लगा सकते हैं, अलग अलग आपका लग जाएगा, तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ये आ जाएगा अंदर ए वन कैप प्लस का ए टू कैप प्लस का ए थ्री कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे ये बढ़ता जाएगा, तो ठीक है। अब आगे आप निकाल सकते हैं इसको, यानी बाहर निकालेंगे, नीचे तक दिख रहा है क्या, अब दिख जाएगा, तो देखो नीचे तक दिखेगा, तो अलग अलग लगा देंगे डी बाई डी टी ए वन वैक्टर कैप प्लस का डी बाई डी टू डी टी ए टू का कैप प्लस, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, तो ये आपके योग के रूप में अगर सदिश हैं, वैक्टर आपको योग के रूप में दे रखे हैं, तो आप इस तरह आप इसके अवकलज ज्ञात कर सकते हैं, तो ये आपका एक नंबर हो गया। ऐसे ही देखिए आगे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए आज ये स्टार्ट किया है टॉपिक, तो थोड़ा हम कम ही पढ़ने वाले हैं, बाकी जो चीज़ें हैं आपकी वो हम आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ों को तैयार करते रहेंगे। तो एक नई बुक स्टार्ट कर दी है, आगे जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी आपको लेंथी क्लासेस मिलेंगी, लेकिन जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा ही
थोड़ा उसकी नॉर्मल जानकारी और वो टॉपिक का हम आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ें बहुत सारी अब चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं अपन, इनका डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कैसे आप निकालने हैं, मज़ा आने वाला है इनमें। बिल्कुल सरल बुक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा पूरा आपको समर्थन है, पूरी एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस आप भी इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही।